नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के बंडा में और शाहगढ़ में सोयाबीन उड़द की फसल पीला मोज़ेक से नष्ट हो चुकी है। फसलों का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए युवा कांग्रेसी किसान नेता लोकेंद्र लंबरदार के साथ बंडा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने राज्यपाल के नाम बंडा अनुविभागीय अधिकारी की अनुपस्थिति में बंडा तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में उल्लेख है कि वर्ष 2020 में अगस्त में अतिवृष्टि होने से सोयाबीन उड़द की फसलों में पीला मोज़ेक रोग लग जाने से लगभग सारी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिस कारण से बंडा का किसान कर्ज में डूबा है और आत्महत्या के लिए मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि सरकार व स्थानीय प्रशासन शीघ्र सर्वे कराकर 50,000 प्रति हेक्टेयर की मुआवजा राशि किसानों को दी जाए, क्योंकि किसान कर्ज के कारण भी परेशान है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फॉर्म भारतीय स्टेट बैंक बंडा, मध्य भारत बैंक, सहकारी बैंक, सेंट्रल बैंक बंडा में किसान के फॉर्म तो जमा हुए हैं, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा पोर्टल पर फीड नहीं करने के कारण उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तत्काल ही बैंक प्रबंधन से फॉर्म स्वीकृत कराए जाएं, ताकि किसानों को फसल बीमा का लाभ मिल सके। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसानों ने यह भी शिकायत की कि क्षेत्र के पटवारी अपने हलका में जा ही नहीं रहे हैं, जिससे उनकी फसल का समय पर नुकसान का आकलन नहीं हो पा रहा है। ज्ञापन में सभी किसानों ने निवेदन किया है कि स्थानीय प्रशासन को पीला मोज़ेक अतिवृष्टि से नष्ट हो चुकी सोयाबीन उड़द की फसल का सर्वे कराकर 50,000 प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा राशि प्रदान की जाए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। जो फसल नष्ट हो गई है ना, उसके समय के जो सोयाबीन उड़द की फसल नष्ट हो गई, उसके संबंध में क्या आपकी मांग है, क्या है, क्या किस संबंध में पूरा मामला बताएं आप। क्या एक पटवारी लोग अपनी जमीन पर नहीं जा रहे हैं, खेत पर नहीं जा रहे हैं, उसके संबंध में दिया है कि वो खेत पर जाएं और देखें किसानों की कितनी फसल का नुकसान हुआ है। 100% फसल का नुकसान हो चुका है। तहसीलदार साहब द्वारा क्या आश्वासन मिला? उनके द्वारा आश्वासन मिला है कि हमारे द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी लोग खेत पर जाएं और अब सर्वे करें। कई लोग बता रहे थे कि असभ्य भी बोले थे पटवारी। हाँ, पटवारी बोले हैं सब कि नहीं दे रहे हैं मुआवजा, नहीं कर रहे सर्वे। इस टाइप का किसान पिनाका से आए हैं। स्टेट बैंक बंडा, बैंक बंडा, सहकारी बैंक बंडा, सेंट्रल बैंक बंडा में किसानों की फार्म जमा करने ही गए, लेकिन बैंक मैनेजर द्वारा फार्म पोर्टल पर फीड नहीं किए जाने के कारण किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण बैंक प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही कर फार्म फ्रीज कराया जाए।